ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रंग रामाय नमः। ओम आदिश्वधिनम्। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत करता हूँ ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। एक बार एक वीडियो में मैं प्रश्न किया था, जगन्नाथ भगवान का माँ का नाम क्या है और इसके तहत मैं आपको बताया था शनिकृत कोई भी दंड दुख पीड़ा श्री जगन्नाथ जी भगवान के अबढ़ा महाप्रसाद निर्माल्य कैवल्य को ग्रहण करने से खाने से कैसे शनि दंड से मुक्ति मिलता है, ऐसे क्या प्रमाण है? शास्त्रोक्त प्रमाण, विज्ञान प्रमाण और इसका विषय हमारे श्री जगन्नाथ महापुराण के तहत यह विषय आता है। एक मेरा चैनल है संगीत ड्रामा डांस म्यूजिक संजय G75 उड़िया। इस चैनल में आप आएंगे तो आपको एक ड्रामा मिलेगा। 1 घंटा 17 मिनट इस चैनल में है ये ड्रामा। सिविक सेंटर राउरकेला संजय G75 श्री जगन्नाथ महाप्रभु और माँ काली कलयुग में शनिकृत पीड़ा का विनाश कैसे संभव है इसके ऊपर बताया गया। तो इस ड्रामा में एक ऐसा ड्रामा जो उस दिन रात को ये ड्रामा मंचन हुआ था, ऑडिटोरियम फुल था। ऐसा ड्रामा मैं भी जीवन में सेकंड टाइम देखा, जहां एक भी ऐसा आदमी नहीं था जो उस दिन रात को इस ड्रामा को देख नहीं रोया होगा। ये ड्रामा कर्मा बाई कर्मा माता, नाम है कर्मा, तेलुणी तेलुणी का शब्द है, तेली जात तेली संप्रदाय का एक नारी, एक बहू, शायद एक विधवा। इतना दम था उसमें पूरी जगन्नाथ धाम में 7 दिन के लिए जगन्नाथ मंदिर में भोग लगना बंद हो गया।
लाखों रुपया का भोग मिट्टी में गड्ढा खोद के डाल दिया गया। जगन्नाथ मंदिर पुरी में एक नियम है, भोग मंडप प्रसाद मंडप, गर्भ गह्वर मंदिर से 50 मीटर दूर में ये भोग मंडप है। और जब पंडित बड़पंडा भोग लगाता है पानी में और जगन्नाथ का चित्र अगर नहीं आए प्रतिछवि, तो भोग नहीं लगता है, उसको लेके मिट्टी में गाड़ देते हैं, फेंक दिया जाता है। 7 दिन तक नहीं हुआ तब पुरी के गजपति महाराज मंदिर में क्षमा प्रार्थना अधिया पड़े, शरण गए, 7-8 दिन तक पड़े रहे। इस ड्रामा में सब है, देख सकते हो। और इसको जाने के लिए आप YouTube के सर्च में संजय कैपिटल G75 लिखिएगा। यहां पर 3 बिंदु है, ये 3 बिंदु को दबा के ऊपर फिल्टर में जाइएगा। फिल्टर में यहां पर एक जगह आएगा ऑल, उसमें चैनल दबाइएगा, फिर अप्लाई करिएगा। मेरा 52 चैनल सीरियल वाइज, जितना सारा चैनल है सब मेरा रहेगा। इसमें ड्रामा डांस, उड़िया ड्रामा डांस चैनल में जाइएगा और उड़िया शब्द लिखा होगा यहां पर, देखिए उड़िया संगीत ड्रामा डांस उड़ीसा, संजय G75, इसको जाके वीडियो में जाके 10 वीडियो का नीचे चले जाइए तो ये ड्रामा आ जाएगा। मैं जानता हूं उड़िया शब्द आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन देख लोगे तो रो के आंख से आंसू भर जाएगा। भक्ति का आंसू कि एक तेली औरत, नारी, महिला, माता, विधवा जगन्नाथ का मां बन गई। और चमत्कार कहानी है, सत्य घटना है, जो जगन्नाथ पुरी श्री जगन्नाथ महाप्रभु 7 दिन तक उसके लिए भूखे रह गए। राजा को आना पड़ा, राजा जगन्नाथ मंदिर में प्रार्थना करे, ध्यान करे, सो के क्षमा प्रार्थना करे कि प्रभु क्या गलती हो गया, भूखे क्यों हो, आप नहीं खाते हो तो इतने बड़े, इतने लाखों भक्त भूखे जा रहे हैं, 7 दिन तक किसी को अन्न भोग नहीं मिल रहा है। तब जगन्नाथ भगवान राजा को सपनादेश देते हैं कि मेरा मां खुद भूखी सोई हुई है। राजा जी चौंक गए, बोले आपका मां, आपका फिर कहां से मां आ गया, आप तो मौसी का घर हर साल जाते हैं और आप तो दारू ब्रह्म हैं। रामायण के युग में 3 मां थे, कैकेयी वगैरह, कृष्ण अवतार में 2 मां थी, जगन्नाथ बिना मां का, मां कैसे, जो भी हो। राजा ढूंढा, एक उस समय बूढ़ा दाढ़ी वाला एक तपस्वी उस मां को ढूंढते ढूंढते, कर्मा माता, कर्मा बाई, कर्मा देवी को ढूंढते ढूंढते एक झोपड़ी में पहुंचा। दतून जो करते हैं ना, काठी काठी साल का दतून, इतना मतलब आजकल तो आप लोग ब्रश वगैरह करते हो, टूथपेस्ट करते हो, उस समय नहीं था, दतून करते थे सुबह सुबह, दतून को चबाते थे। तो कर्मा भाई तेलिया, उसको क्या धर्म अधर्म पूजा पाठ समझ में आएगा, भक्ति में विनम्र है, कैसे आती है उसका भी फिल्म है, उसी ड्रामा में देख लीजिएगा, क्यों आई, कैसे आई जगन्नाथ जी में। एक आदमी काटने वाला डकायत
दस्यु रत्नाकर जैसे पहुंचा उसके पास, वो भी भक्त बन गया। दस्यु रत्नाकर उंगुली माल के बाद ये तीसरा स्टोरी है जहां पर इंसान काटने वाला एक डकायत जगन्नाथ का भक्त बनता है। कर्माबाई जगन्नाथ के लिए भोग बनाती है, चावल क्या है उसके पास, भीख मांग के लाए चावल बनाए, तो करचोल तो नहीं है, तो उसी झूठा दातुन में भात चावल उसी में ऐसा ऐसा करती है, झूठा दातुन में बनाती है, झूठा चावल एक तेली का। जगन्नाथ पहुंचते हैं उसके पास खाने के लिए, तो एक दिन जगन्नाथ बोले सुन, डेली डेली मंदिर से आना मुश्किल है, तो कल सुबह मंदिर में ले आना। जब ये मंदिर में जाती है मट्टी के घड़ा में, मट्टी का घड़ा में भोग कब से लगा यही, तो पंडित पंडालों उसको पीट मार के भगाए, और वो जो भात लाई थी झूठा भात फेंक दिए। जगन्नाथ हो गया कोप, मेरा मां को पंडा लोग मारा, जगन्नाथ भागे जाके उसी के पास, भोग नहीं लग रहा है। ये मादला पंजिका में लिखा हुआ है, जगन्नाथ मंदिर का जो हिस्ट्री बुक है उसमें ये सत्य घटना है। राजा जी को फिर बोला गया, राजा जी ढूंढ के आए, कर्मा माई को क्षमा मांगे। वो ड्रामा को देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, उड़िया मत समझो लेकिन देख लो एक बार समझ में आ जाएगा। उसके बाद उस दिन से जगन्नाथ मंदिर में ये संखुड़ी भोग, जो भात वाला सुबह 10 बजे निकलता है, दुप भोग अबड़ा भोग लगने लगा। जगन्नाथ बोले देख मैं अकेले खाऊंगा, तू लाएगी भोग होगा, सब भक्त सभी को मिलेगा तेरा हाथ का, जगन्नाथ का मां का हाथ से सभी को मिलेगा। पंडा लोग होने नहीं दिया, जगन्नाथ भगवान 7 दिन हड़ताल, पंडालों का दिमाग खराब, राजा का दिमाग खराब, ढूंढ ढूंढ के कर्मा भाई के पास पहुंचते हैं, फिर कर्मा भाई का शरण जाते हैं। कर्मा भाई फिर उठती है, फिर भोग बनाती है, मंदिर में लाके जगन्नाथ जी को प्रसाद देते हैं। उस दिन से जगन्नाथ भगवान बोल दिए कि कलयुग में शनि जनित जितने भी पीड़ा है और सबसे बड़ा पीड़ा है पंचम का, ये नहीं बोलूंगा, ये थोड़ा गुप्त बात है कैसे खाना क्या खाना, फिर भी बोल दिया हूं शायद किसी किसी में, बता नहीं। वो अबड़ा जो साधना पूर्वक भक्ति पूर्वक वहां रह के पुरस्करण करके नित्य प्रतिदिन पाएगा, और वो निर्माल्य लाके घर में रखेगा और हर दिन पाएगा, शनिकृत दंड दुख दष्ट कष्ट दो पीड़ा उसे नहीं लगेगा। तो जो कर्मा बाई के हाथ से फेंक दिए थे नीचे, मट्टी का घड़ा ऐसे फेंक दिया गया, टूट के बिखर गया, अन्न चावल का दाना चारों तरफ विचरित हो गया। तो उस दिन से वहां जगन्नाथ भगवान मंदिर में केवल निर्माल्य प्राप्त कर लेने से शनिकृत दष्ट कष्ट दंड पीड़ा दूर होता है। ये कलयुग का सत्य घटना है, और साइंटिफिक क्या है, भोग मंडप एक पिरामिड है, पिरामिड, और उसमें जो सोलर एनर्जी है आके एक पर्टिकुलर टाइम है, लग्न है, पर्टिकुलर लग्न में जब भोग लगाने का लग्न निकाला जाता है उसी टाइम पीरियड में सोलर सेंट्रीफ्यूज एनर्जी चावल में आके आता है जो सुपर एक्टिव कर देता है चावल को, और वो अबढ़ा निर्माल्य कैवल्य अलग अलग है, सब एक ही चीज है लेकिन भिन्न भिन्न स्थिति में उसी अन्न, उस अन्न का नाम अलग अलग हो जाता है।
तो अबड़ा जो मट्टी के घड़ा में डायरेक्ट मंदिर में जाके खाते हो, निर्माल्य जो उस चावल को लाल लाल कपड़ा में मिलता है सुखा के, कैवल्य जो नीचे गिरता है उठा के खाते हो। अबड़ा, निर्माल्य, कैवल्य और एक याद नहीं आ रहा है, निर्माल्य, अबड़ा, कैवल्य, महाप्रसाद, और उसको लेके जब किसी को देते हो वो तो महाप्रसाद है ही, और एक सब याद नहीं आ रहा। तो वो जो अन्न है आपके शरीर में जब जाता है तो आपके बॉडी में जो सैटर्निक एनर्जी, सैटर्निक मॉलिक्यूल, सैटर्निक पार्टिकल, शनि ऊपर है नहीं है, कोई नहीं देखा है, घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, बकरी हो रहा है, स्टैग्नेंट हो रहा है, मार्गी हो रहा है, शनि तक कोई नहीं पहुंचा अभी तक। लेकिन आपके शरीर में यद ब्रह्मांडी तत् पिंडे, इस शरीर में जो शनि है और जिसके कुंडली में और जिसके शरीर में शनि सैटर्निक शक्ति बहुत उग्र रहता है, विपद नक्षत्र में रहता है, मार्केश बन के रहता है, बद्ध तारा में रहता है, निधन तारा में रहता है, जिसका जिंदगी तहस नहस हो जाता है, पनौती लग जाता है, भिकमंगा बन जाता है, लक्ष्मी छोड़ के भाग जाती हैं, ऐसा व्यक्ति श्री जगन्नाथ मंदिर में 3, 7, 3, 5, 7, 11, 21 अपने शनि के शक्ति के अनुसार वहां रहिए, प्रसाद भोजन करिए, बाहर नहीं खाना जाके, मांस मछली अंडा होटल, तीनों समय जगन्नाथ मंदिर के अन्न को भोग करना और जगन्नाथ मंदिर के अंदर का पानी को ही पी के वहीं पड़े रहना और जगन्नाथ जी का मंत्र का जाप करना। क्यों? बोला जगन्नाथस्तु स्वयं दक्षिणा काली के। जगन्नाथ कौन? बोला दक्षिण काली। दक्षिण काली कौन? बोला शनि का इष्ट। तो उस जगन्नाथ भगवान के चरण में जब आप शरण जाते हो, अपने को परिपूर्ण समर्पण कर देते हो और आप उसके भोजन, भोग, प्रसाद, निर्माल्य, कैवल्य, अबढ़ा, महाप्रसाद को सेवन करते हो, आपके शरीर में जाके जो अन्नमय कोष है, कण 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 आप्यायित हो जाता है। और इसीलिए हमारे शिविर में जो लोग खाते हैं मंदिर से थोड़ा बहुत अबढ़ा प्रसाद, महामंदिर पूरी जगन्नाथ जी से देते हैं। और इस प्रकार के देखो जगन्नाथ मंदिर के उत्तर दिशा में मां लक्ष्मी का स्थान है, दक्षिण दिशा पश्चिम दक्षिण में मां विमला का स्थान है, और रोसो साल जहां खाना बनता है वो अग्नि कोण पूर्व दक्षिण में है, स्नान मंडप भोग मंडप ईशान में है, पूर्व उत्तर दिशा में है वास्तु के अनुसार। तो इतना पावन पवित्र भूमि का एक कण, एक अन्न, एक वायु, एक जल आप जब उसको लाके घर में रखते हो तो आपके घर का वास्तु मंडल भी ठीक हो जाता है, घर में भूत प्रेत पिशाच पितृदोष निवारण हो जाता है। और उस अन्न भोग को भगवान के स्थान में रखना, सिंदूर चंदन देके पूजा करना डेली सुबह सुबह, इससे बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी और कुछ हो नहीं सकता। ताबीज में भी उसको भर के दिया जाता है लेकिन वो पर्टिकुलर डेज का रहता है, वो अलग प्रकार का विषय है, सबका बोधगम्य विषय नहीं है, बहुत पावरफुल होता है। किसी को भूत बाधा प्रेत बाधा है बहुत अच्छा काम में आता है। अभी जनवरी और फरवरी में 2 शिविर और बाकी है अपने जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करने के लिए, ग्रह शांति करने के लिए, आत्म विकास करने के लिए, मन का शुद्धि करने के लिए, ग्रह शुद्धि करने के लिए,
चंद्र शुद्धि करने के लिए, नक्षत्र शुद्धि करने के लिए, भिन्न भिन्न प्रकार का स्नान करने के लिए, आत्म विकास शिविर, ग्रह शांति शिविर 7 दिन का, फरवरी में लास्ट है, मार्च अप्रैल में नहीं होगा, कैंसिल है वो, क्योंकि उसके बाद धूप हो जाता है, पानी का समस्या होता है। तो जिनको आना है इन शिविरों में आ सकते हैं और अपना जो भी पूजा पाठ कर्मकांड करना है इन 7 दिनों में करा सकते हैं। जबरदस्ती किसी को नहीं है और आप नहीं आने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बहुत सारे लोग आएंगे मेरे को मिलने के बोलते हैं और मैं जब नहीं होता हूं या व्यस्त रहता हूं तो मिलते हैं। शिविर के दौरान मैं आप लोगों को स्पेशल टाइम देता हूं, इस समय कुंडली देखने का टाइम को आगे पीछे करके मैक्सिमम 3-4-5 घंटा समय आपके साथ बिताता हूं, आपका क्लास लेता हूं शिविर में। तो आप लोग जिनको भी मेरे से बहुत सारे लोग मिलना चाहते हैं शिविर के दौरान मैं आपको टाइम दे सकता हूं, तो इस क्षेत्र में आप लोग शिविर में आ सकते हैं। और ये शनि साढ़े सार्वजनिक मकर कुंभ मीन ढैया जनित कर्क वृश्चिक पनौती जनित तुला राशि, इन सब के लिए श्री जगन्नाथ जी मंदिर में अबढ़ा भोग कैवल्य निर्माल्य सेवन करना अत्यंत जरूरी होता है। आप मेरे पास शिविर में मत आओ, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जरूर जगन्नाथ धाम श्री क्षेत्र पुरी नीलाचल धाम पद्म क्षेत्र शंख क्षेत्र महोदधि आप जरूर जाइए और वहां प्रसाद सेवन करिए। इन सब जगन्नाथ के कथामृत सुनने के लिए आप अपने इलाके में अपने स्थान में अपने शहर में गांव में कस्बे में आपके सोसाइटी में आपके भिल्ला में श्री जगन्नाथ कथामृत इत्यादि का ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और हमें बुला सकते हैं जगन्नाथ भगवान का भक्ति कथा आप सबको सुनाने के लिए। मैं जरूर आपके यहाँ आऊँगा और उस दौरान ग्रह शांति यज्ञ भी कराऊंगा और जो भी बेचारे गरीब दुखी पीड़ित पैसा नहीं है उसमें उनका भी कल्याण ये मेरा धर्मादा रहेगा। तो ये मार्च के बाद पॉसिबल और रहूंगा नहीं, धूप पड़ जाएगा, गर्मी में कौन करेगा। साथ में मैं अपना पंडित का टीम भी लेके जाता हूं। तो ये दो कार्यक्रम मैं आप लोगों के लिए रख रहा हूं, जो लोग चाहते हैं बुक कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं कोई बात नहीं, मेरा तो ऐसे ही हाई प्रेशर काम चलते रहता है, कुंडली वगैरह में दिन भर व्यस्त रहता हूं और फिर IAS IPS वालों का भी जो शिविर का और ज्यादा प्रेशर है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बाकी लोगों को भी ये बात बताएं ताकि उनको भी श्री जगन्नाथ जी की आशीर्वाद मिले, महाप्रसाद मिले, कैवल्य मिले, निर्माल्य मिले, अबढ़ा मिले और उनका जीवन में कुंभ मीन मकर कर्क वृश्चिक तुला का शनि जनित पीड़ा से मुक्त हो, जीवन के समस्याएं दूर हों। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।